कल और आज दोनों दिन जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और सदस्य हैं उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम अलग अलग जिलों के हमारे नेता, पूर्व मंत्री, प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्य, उन सबसे गहन चर्चा करी है। और लोकसभा चुनावों को लेकर जो उम्मीदवार हैं और किन लोगों को आगे नाम प्रस्तावित करने हैं उस पर चर्चा हुई है। जैसा मैंने कल कहा, बड़े खुले माहौल में सब लोगों ने अपने राय दी है। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर इस चुनाव में कम नहीं हुआ, हम सरकार नहीं बना पाए हैं, लेकिन लोकसभा की चुनौती के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं। और आज जो हमारे यूथ कांग्रेस की प्रदेश की कार्यकारिणी है उसकी मीटिंग हुई है, उसको हम सबने संबोधित किया है। पूरी पार्टी, तमाम नेतागण एकजुटता से तैयार हैं आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए। और 10 साल की जो केंद्र की सरकार है उनसे वो कठोर सवाल पूछेंगे, जनता की आवाज़ बनकर महंगाई, बेरोजगारी, किसान, छोटे उद्योग, महिला, नौजवान, हर व्यक्ति पीड़ित है। और 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता के बीच में 10 साल की परफॉर्मेंस उसका जवाब केंद्र की सरकार दे और भारतीय जनता पार्टी दे। और आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी यात्रा जो है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो छत्तीसगढ़ भी आएगी। उस संदर्भ में हम लोगों ने आज मीटिंग करी है, अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी है और व्यापक तरीके से उस यात्रा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ऐतिहासिक स्वागत उनका होगा छत्तीसगढ़ के अंदर। मैं मानता हूँ कि इस यात्रा से देश, समाज और पार्टी सभी को लाभ मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मुझे देखकर खुशी हुई इन दो दिनों में कि सभी नेता संकल्पित हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम, जैसा आप लोगों ने मुझे पहले दिन पूछा था, हम इतिहास बनाने के लिए आए हैं और यहाँ पर उन तमाम सीटों को जीतेंगे जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हम उतारेंगे। सब नामों पे चर्चा हुई है, सब ने अपनी अपनी बात रखी है और सबका संज्ञान हमारी चेयरमैन ने भी लिया है, मैंने भी लिया है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर दिल्ली में चर्चा कर नाम को शॉर्टलिस्ट करेगी। और हम सब चाहते हैं कि इस बार जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उन लोगों के नाम हम समय रहते डिक्लेयर करें ताकि प्रत्याशी को इतने बड़े इलाके में अपना प्रचार करने का पर्याप्त समय उनको मिले। नेता छोटे बड़े नहीं होते, नेता वो है जो क्षेत्र में उपयोगी हो और पार्टी को जीत दिला सके। आज कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इंडिया अलायंस मजबूत रहे और जहां कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार उतारेगी वो जिताऊ होगा। उसमें से नौजवान भी होंगे, अनुभवी भी होंगे, सब लोगों को, जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा उस पर सहमति बनी है कि उसी व्यक्ति को मैदान में उतारा जाए। नीतीश कुमार, लेकिन सबसे बड़ी बात की बात कर रहे हैं, 43% पे स्टैंड बाय है अभी कांग्रेस, लेकिन जो 13% का गैप आया है 2023 के इलेक्शन में उसको फिलअप कैसे करेंगे। दूसरी बात, अगर बस्तर के सिनेरियो की बात करें तो बस्तर में मनभेद और मतभेद ये सामने भी आई है, उसकी शिकायतें दिल्ली में भी हुई है। जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने गड्ढे खोदे हैं कई विधायकों को, तो इन सबको तालमेल कैसे बैठाएंगे। विधानसभा का चुनाव पूर्ण हो गया, हम सब चाहते हैं और उम्मीद करते थे सरकार हमारी बने, और इस बात का दुख के सब लोगों को है कि हम सरकार नहीं बना पाए। और अब आने वाले समय हमें आगे देखना पड़ेगा। हम लोग आशावान हैं, पॉजिटिव हैं, सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर किसी जिले में, किसी विधानसभा क्षेत्र में कहीं छोटी मोटी घटना भी है उसका समाधान ढूंढकर नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। अब समय है मजबूती से, एकजुटता से आगे बढ़कर चुनाव लड़ने का और विधानसभा चुनाव में जो हमें कमियां रह गई थी उसको पूरा करेंगे। बिहार में उसके बारे में क्या बोला जाए, कुछ पता ही नहीं है। चर्चाएं चल रही है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, जब तक कुछ स्पष्ट सामने नहीं आएगा उसको बोलना ठीक नहीं। नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है बीजेपी के साथ, हाँ ना, पहले उसका पूरा स्पष्ट हो जाए उसके बाद कुछ टिप्पणी करना ठीक होगा, क्योंकि बहुत तेजी से ये घटनाक्रम चल रहा है, अभी हम कुछ कहना नहीं चाहते। आस्था की कार्ड कैसे करेंगे, आस्था तो हावी है। मैंने कहा ना, 10 साल की रिपोर्ट कार्ड, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, मतलब आज 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। काला धन वापस लेकर आएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, जो कानून बनाए किसान के खिलाफ 3 काले कानून बनाए वो अंत में वापस लेने पड़े, फौज की भर्ती में अग्निवीर योजना को लेकर आए, आज नौजवान उससे आहत है, अपना भविष्य अंधकार में देखता है, छोटा उद्योग हो, लघु उद्योग हो, निवेश हो, बेरोजगारी इतिहास में इतनी कभी नहीं होती आज है, हर क्षेत्र में केंद्र सरकार फेल हुई है, लेकिन फिर भी अपना प्रोपेगेंडा, अपना प्रचार, अपनी पब्लिसिटी उस माध्यम से इस बात को ढक रहे हैं और जज्बाती मुद्दों को लेकर, भावनात्मक मुद्दों को लेकर अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। हमारा दायित्व बनता है एक सक्रिय मजबूत विपक्ष के नाते जनता के बीच में जाएं और हम लोग सच्चाई को प्रकट करेंगे जनता के बीच में। पब्लिक विकास चाहती है, गवर्नेंस, डिलीवरी और वादा पूरा करना ये भाजपा की जिम्मेदारी थी, दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार वो नहीं कर पाई है। सर, बीजेपी का ये कहना है कुछ भी कर ले, बड़े चेहरों को भी उतार ले, लेकिन हार ही होगी। यही बात कही थी 2004 में जब चुनाव लड़ने गए थे वाजपेयी की सरकार में, कहा था इंडिया शाइनिंग है, हम इतना बहुमत लेकर आएंगे, जनता जनार्दन है
और पब्लिक का जो मन है उसके आगे किसी की टिकती नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी की नीति इतिहास भविष्य एजेंडा और हमारे उम्मीदवारों पर छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के लोग विश्वास करके वोट डालेंगे।